हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चीख उठा कब्रिस्तान का दूसरा और अंतिम भाग। और अगले दिन, मम्मी मम्मी देखिए कौन आए हैं। अरे इंस्पेक्टर इतिहास, आप? मैं तो खुद आपके लिए परेशान थी, क्योंकि वे बदमाश आपकी जान लेना चाहते थे। मुस्कुराया था इंस्पेक्टर इतिहास। उन्होंने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी मिसेज एंथनी, मुझ पर ही किस्मत मेहरबान हो गई। उनकी चलाई गोली स्वास्तिक को भेद कर मेरे सीने तक नहीं पहुंच सकी। ओ थैंक्स गॉड। लेकिन मुझे ताज्जुब तुम्हारा है, तुम कैसे बच सकी उन शैतानों के हाथों से। एंथनी की कब्र तक पहुंचने और फिर वहां से घर में होश आने तक का सारा किस्सा वह उसे बताती चली गई। और तब पुनः मुस्कुरा कर लौट पड़ा था इंस्पेक्टर इतिहास। देखा जूली और मिसेस एंथनी, आज तुम्हें बचाने के लिए कानून का कोई सिपाही वहां मौजूद नहीं था। आज तुम्हें बचाने वाला मेरा भाई भगवान था। कब्रिस्तान में इंस्पेक्टर इतिहास को मिली वे चार लाशें। हत्याएं करने का यह तरीका सिर्फ एंथनी का है, असामाजिक, बर्बरतापूर्ण, ताकि अपराधी अपराध करने से डरें। मगर उन लाशों को उसने कब्रिस्तान से नहीं बल्कि कहीं और से जब्त किया, शो करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर उन चारों की मौत की खबर से गजानन और बब्बन के मस्तिष्क में तूफान खड़ा कर दिया था। बब्बन, वो इंस्पेक्टर का बच्चा जिंदा बच गया है, उसी ने जब्त की हमारे चारों साथियों की लाशें। मगर उन्हें मारा किसने, ये इसमें कहीं नहीं लिखा है। क्लॉक टावर के नाम से प्रसिद्ध था वह नाइट क्लब जिसके मालिक थे गजानन और बब्बन। हमारा कोई आदमी गली में छींक भी दे तो मोहल्ले का मोहल्ला अपने टॉयलेटों में मुंह छिपाकर बैठ जाता है। और ये पहली बार हुआ है कि किसी ने हमारे चार आदमियों को एक साथ मार डाला है। गजानन, मुझ पर छोड़ दो उस हत्यारे का पता लगाने का काम। उसके जिस्म के टुकड़े मैं जल्दी तुम्हें पेश करूंगा। उसके पास तीन इक्के हैं बेवकूफ, और पैसा मत लगाओ। गजानन नाइट क्लब में मौजूद अपने आदमियों को उनके प्रतिद्वंदी जुआरों के पत्तों की स्थिति का पता दे रहा था। इधर बब्बन निकला और उधर भीतर प्रवेश किया प्रिंस ने। अरे ये कौआ कहां से अंदर आ गया? ये कौआ नहीं है गजानन, ये प्रिंस है। अकेले नहीं आया, इसके साथ आया हूं मैं। कौन हो तुम? एंथनी गोंसाल्वेस। उफ, गजानन, अपने चार साथियों की मौत का तुझे पता चल गया होगा। मेरा पांचवा शिकार आज तू होगा। वो पांचवा शिकार तू भी हो सकता है एंथनी। गजानन की तरफ बढ़ता एंथनी फंस गया उस जाल में। उफ, प्रिंस पर दगी वह गोलियां जिनसे बचने के लिए वह खिड़की से बाहर निकलता चला गया। हिंसक ठहाका लगाया गजानन ने। ये मेरा घर है एंथनी, जहां मेरे पांव की उंगली भी बोलती है। उसी की बोली सुनकर मेरे ये आदमी यहां आए हैं, मगर मैं तुझे गोली की सस्ती मौत नहीं मारूंगा। तुझे अपनी मौत की पल पर प्रतीक्षा करनी होगी, और ये है वो मौत जो तुझे तब मिलेगी जब इस टावर के क्लॉक की दोनों सुइयां 12 के अंक पर जा पहुंचेगी। ठीक 12 बजे होगा एक टाइम विस्फोट और तेरे चीथड़े उड़ जाएंगे। इस विस्फोटक स्थिति से मैं खुद को टेलीपोर्ट करके निकल सकता हूं, मगर उसके लिए मुझे वह जगह दिखाई पड़नी आवश्यक है जहां मुझे अपने जिस्म को टेलीपोर्ट करना है। मगर मेरी आंखें भी तो बंद हो गई हैं, मैं अपने आसपास की स्थिति का अवलोकन नहीं कर पा रहा हूँ। क्लॉक की विशाल सुई के साथ 12 के अंक की ओर अग्रसर था एंथनी का भी जिस्म। तभी गूंज उठा वह कर्कश स्वर, प्रिंस इस जाल को काट। प्रिंस की चोच व पंजे लहूलुहान होने लगे। शाबाश प्रिंस, जल्दी जल्दी कर, तू मेरा सच्चा साथी है प्रिंस। अंदर भी जारी था बेईमानी का खेल। मोटा दाव लगाओ बेवकूफ, तुम्हारे प्रतिद्वंदी के पास पंजा, ठौर, नहला है। नहले पर इस दहले के बारे में तुम्हारा क्या विचार है गजानन? तो तुम यहां? हाँ प्रिंस की बदौलत यहां हूं मैं, और अब मैं तुम्हें दूंगा वो मौत जिसे देने मैं यहां आया था। और मेरा तरीका है घबराओ नहीं गजानन, मैंने वो बम हटा दिया जो ठीक 12 बजे फटकर मेरी मौत बनने वाला था, क्योंकि मैं तुझे अपने तरीके से ही मारूंगा। और मेरा तरीका है क्लॉक की साइड वॉल पर बना मधुमक्खियों का वह विशाल छत्ता। मधुमक्खियां जो ब्लॉक में प्रत्येक घंटे की आवाज पर बेचैन हो जाती है और लाखों की संख्या में उधर उधर उड़ती हैं। 12 बजने में अब केवल 3 मिनट रह गए हैं। 3 मिनट बाद जब 12 घंटे बजेंगे तो बेचैन और क्रोधित मक्खियों को तू दिखाई पड़ेगा। अपने भयानक अंत की कल्पना करने के लिए तेरे पास अब केवल 1 मिनट बचा है गजानन, गुड बाय। नहीं रुक जाओ एंथनी, कोई है। टन टन की प्रथम जबरदस्त ध्वनि से फनफना गई गजानन की कनपटियां। छत्ते से करोड़ों की संख्या में
छत्ते से करोड़ों की संख्या में उड़ी मधुमक्खियां। नो नेवर उफ बचाओ बचाओ। 12 घंटों की ध्वनि के साथ ही बंद हो गई गजानन की चीखें। खुद भी मधुमक्खियों का एक विशाल छत्ता नजर आने लगा था, आने लगा वो। और तब गजानन को गिरफ्तार करने पहुंचे इंस्पेक्टर इतिहास को मिली गजानन की लाश और लाश के चारों ओर बनी जलते हुए कोई की आकृति। फिर उस वक्त गूंज उठी थी मारिया की चीख, जब उसे उसे छोड़ दे कमीने, मम्मी आ। छोड़ दूंगा अगर तू मुझे ये बता देगी कि मेरे उन चारों साथियों को किसने मारा जो तेरे पीछे लगे थे, जिनकी लाशें इंस्पेक्टर इतिहास को एक पार्क में पड़ी मिली थी। मैं वजह नहीं जानती, मैं उससे पहले ही अपने होश खो बैठी थी। मारिया को छोड़ दो शैतान। शेरनी की तरह बब्बन पर छपट पड़ी थी जूली। बब्बन का हाथ लहराया और शर्त पीछे जा गिरी जूली। अगर तूने जल्दी ही मुझे इसके बारे में ना बताया तो इस बार तुझे नहीं छोड़ूंगा, और ना ही इस बार तुझे कोई बचाने आएगा, क्योंकि उसी हत्यारे ने ही मेरे भाई गजानन की भी हत्या की है। आ पागल सा नजर आने लगा बब्बन। बता वरना तेरा गला दबा दूंगा। आ छोड़ दो मेरी मम्मी को, छोड़ दो। बब्बन ये तो बेहोश हो गई, पानी छिड़को, इसे होश मिलाओ। आज मैं इसकी लाश से भी अपने प्रश्नों के जवाब ले लूंगा, और इस लोहे की अलमारी में बंद कर दो उस छोकरी को। तब उसके गले से चीखें उबलेंगी और इसके गले से जवाब, मम्मी मम्मी। मैं जूली को होश में लाने के लिए पानी ले आया हूँ बब्बन, मम्मी मम्मी। अब मुझे मेरे सभी प्रश्नों का जवाब फौरन मिल जाएगा, क्योंकि उस अलमारी में दम घुट रहा होगा छोकरी का। बब्बन तेरे सवालों का जवाब अकेला मैं हूं, मैं एंथनी एंथनी गोंजाल्वेस। पूछ बब्बन पूछ, मुझसे क्या पूछना चाहता था तू? हाँ मैंने ही मारा था तेरे साथियों को, मैंने ही मारा है तेरे भाई गजानन को, और मैं ही मारूंगा अब तुझे। बब्बन के हाथ से छूटकर चाबी खिड़की से बाहर उछल गई, क्योंकि अमन के दरिंदों को कफन उड़ाना ही मेरा मकसद है। प्रिंस से चाबी लेकर उसने अलमारी में से निकाला मारिया को। बेहोश हो गई है मगर अभी सांस चल रही है। उसकी सांसें तो चल रही है मगर तेरी सांसें अब बंद हो जाएंगी। इस चोट के कारण सुन्न होता जा रहा है दिमाग। बंद कर दो इसे इसी अलमारी में। उफ तभी गूंज उठा पुलिस सायरन का स्वर, पुलिस भागो। इधर प्रिंस ने उठा ली थी चाबी, एंथनी को बाहर निकालना उसका मकसद था, मगर उसके लिए यह आसान ना था। इधर अपने मस्तिष्क को नियंत्रित कर चुका था एंथनी, ये मेरा यहाँ मेरा दम तो नहीं घुटेगा, मगर जूली के होश में आने से पहले मेरा यहाँ से निकलना जरूरी है, और यहाँ से निकलने का एकमात्र साधन है कि मैं अपने मस्तिष्क को एकाग्र करके यहाँ से खुद को कहीं और टेलीपोर्ट कर लूँ, मगर वह भी तब तक नहीं होगा जब तक मुझे बाहर का वह स्थान दिखाई नहीं देगा जहाँ की मुझे खुद को टेलीपोर्ट करना है। हाँ एक तरीका है, अगर मैं की होल वाले छिद्र के आगे लगी पत्ती को सरका सका तो मैं की होल से बाहर का वो स्थान देख सकूंगा जहां मैं खुद को टेलीपोर्ट कर सकूंगा। बाहर से जारी थी प्रिंस की कोशिशें, और तब अलमारी में कपड़ों के बीच से वह सप्लाई मिली उसे, वह सलाई मिली उसे जिसकी मदद से हटाने लगा वह की होल की आगे लगी टीन की पत्ती को। नहीं ये इतना आसान नहीं लग रहा मुझे, उफ। और उस वक्त प्रिंस चाबी के होल में डालने में और उस वक्त प्रिंस चाबी की होल में डालने में कामयाब हो गया, मगर चाबी को की होल में घुमा पाना उसकी ताकत के बाहर की बात थी। तो क्या अंदर ही फंस गया था अब एंथनी, क्योंकि चाबी ने तो उस चित्र को ही बंद कर दिया था। क्या एंथनी उस कैद से बाहर आ पाया? बब्बन को उसने कैसी मौत दी? ये सब जानने के लिए पढ़े एंथनी सीरीज का अगला कॉमिक्स मुर्दे का कानून। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी की अगली कॉमिक्स मुर्दे का कानून में। तब तक के लिए धन्यवाद।